जैसा कि आप वीडियो के थंबनेल में देख चुके हैं, आज इस वीडियो के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन पेंशनर वेलफेयर के द्वारा 25 अक्टूबर 2019 को यहां पर ऑल द पेंशनर एसोसिएशन है, इंक्लूडिंग जो स्कोवा के अंदर शामिल थे, उन सभी को ये रेजुलेशन दिया गया है, जिसके अंदर 2016 से पूर्व, 2006 से पूर्व और सातवें वेतन आयोग या छठे वेतन आयोग में जिनकी भी पेंशन रिवीजन में एनामलीज यानी विसंगतियां प्रोड्यूस हुई हैं, उन सभी को लेकर यहां पर इन्होंने अपडेट दिया है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि जो हमारे पेंशन रिवीजन के केसेज हैं, उन सभी के लिए यहाँ पर गोविंद के द्वारा क्या स्टेप अपनाया जा रहे हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इनके बारे में जान सके। तो चलिए दोस्तों, कीमती वक्त ना गंवाते हुए आज की हमारी वीडियो स्टार्ट करते, देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर 25 अक्टूबर 2019 का ये महत्वपूर्ण जजमेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पीजी एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर ने जितने भी पेंशन एसोसिएशन है इंक्लूडिंग जो स्कोवा में थे, उन सभी को ये रेजुलेशन पारित किया है। और इनका कहना है कि विज्ञान भवन के अंदर जो मीटिंग हुई थी, जिसमें मेन एजेंडा यहाँ पर डिस्कस किए गए थे और जो रिजल्ट यहाँ पर निकला वो हम यहाँ पर फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहला डिस्कशन यहाँ पर किया गया था जो प्री 2006 के पेंशनर हैं उनके पीपीओ रिवीजन को लेकर, और मेनली यहाँ पर एयरफोर्स के पेंशनर हैं उनकी यहाँ पर डिस्कस किया गया था। तो सीएजडीए ने इन्फॉर्म किया कि कोरिकोंडम पीपीओ फॉर द रिवीजन ऑफ द पेंशन आफ्टर 7 CPC, वो यहाँ पर जितने भी पेंशनर हैं उनको इश्यूड कर दिए हैं, और इसके अंदर वो भी पेंशनर शामिल हैं जिनकी यहाँ पर पेंशन रिविजन 6 CPC के हिसाब से उनके पीपीओ यहाँ पर जो इश्यू नहीं हुए हैं। यहाँ पर सीएजडीए ने बाकी आगे रिक्वेस्ट की है कि जितने भी नंबर ऑफ एयरफोर्स पेंशनर हैं जिनकी पेंशन यहाँ पर 6 या 7 CPC के हिसाब से यहाँ पर रिवाइज नहीं हुई है, उसको यहाँ पर रिवाइज किया जाए अथॉरिटी की हेल्प से। और यहाँ पर इनका कहना है कि जो डायरेक्टरेट ऑफ एयर वेटर्न है, एयर हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, उनको यहाँ पर नंबर ऑफ पेंशनर की लिस्ट प्रोवाइड करनी होगी। 6 और 7 CPC के जितने भी यहाँ पर अनमलीज हैं उनको यहाँ पर सोल आउट किया जाए, मतलब जिनके भी रिवीजन यहाँ पर बाकी हैं उन सभी की लिस्ट यहाँ पर मांगी गई है। इसलिए सीजीडीए को यहाँ पर डायरेक्टरेट ऑफ एयर वेटर्न के साथ यहाँ पर इंटरेक्ट करना होगा, और जितने भी एयरफोर्स के पेंशनर हैं जिनकी पेंशन अभी तक रिवाइज नहीं हुई है ऑफ द प्रोविजन कंटेन 6 से 7 CPC, उन सभी को यहाँ पर इंक्लूडिंग जितने भी डिफेंस पेंशनर हैं उन सभी की पेंशन को रिवाइज किया जाएगा और उनके ऑर्डर यहाँ पर जल्दी इश्यू हो जाएंगे। और जो मंथली स्टेटस रिपोर्ट है इसके रिगार्डिंग सीजीडीए को सेंड की जाएगी, और सीजीडीए आगे इसको डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर को जल्द ही यहाँ पर सौंप देगा। और दूसरा यहाँ पर जो मैटर डिस्कस किया गया था उसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं एक्सटेंशन ऑफ बेनिफिट ऑफ अपग्रेडेड ग्रेड पे टू प्री 2006 रिटायरी ऑफ S12 ग्रेड, मतलब कि यहाँ पर ग्रेड पे 4600 मतलब ग्रेड पे 4200 वाले को यहाँ पर एक्सटेंड करके ग्रेड पे 4600 में यहाँ पर कन्वर्ट किया जाए और उनको एक्सटेंडेड बेनिफिट प्रोवाइड किया जाए। तो इनका कहना है, DOP एंड PW विभाग को इन्फॉर्म किया गया था 4 जनवरी 2019 को और 9/7/2019 को भी यहाँ पर इन्होंने इन्फॉर्म किया था 6 और 7 CPC में जो भी रिवीजन है, मतलब जो भी यहाँ पर 4200 ग्रेड पे के हैं उनको कन्वर्ट करके एक्सटेंड करके 4600 ग्रेड पे के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, मैटर को रिजोल्व कर लिया गया है, अब इस आइटम को क्लोज कर दिया है। मतलब कि 4200 ग्रेड पे अगर जिनका था छठे या सातवें वेतन के कार्यकाल में, अब उसको अपग्रेड करके 4600 में कर दिया है और आगे इस मैटर को क्लोज कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर जो मैटर उठाया गया था वो यहाँ पर था हमारे जो प्री 2016 के पेंशनर फैमिली पेंशनर हैं एज पर रिवीजन ऑफ पीपीओ एज पर 7 CPC के ऑर्डर है उनके अकॉर्डिंग। तो CPO ने यहाँ पर इन्फॉर्म किया कि टोटल हमारे 9,03,000 पेंशनर थे, जिसमें से 7,75,000 के केस यहाँ पर रिवाइज हो चुके हैं। CPO ने यहाँ पर इन्फॉर्म किया कि मॉनिटरिंग प्रोसेस जो है वो डेली बेसिस के ऊपर सेम रेट से चल रही है। बात करें हम अलग अलग डिपार्टमेंट की, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने इन्फॉर्म किया कि 13.87 लाख केसेज थे, जिसमें से यहाँ पर रिवाइज PPO 12
3.0 लाख केसेज, मतलब 12,30,000 केसेज के रिवाइजन हो चुके हैं। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने इन्फॉर्म किया कि 18,300 केसेज में से 97,400 केसेज रिजोल्व हो चुके हैं, मतलब रिवाइज हो चुके हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने इन्फॉर्म किया कि 2,58,000 केसेज में से 2,30,000 के रिवाइज हो चुके हैं। सीजीडीए ने इन्फॉर्म किया कि 4,95,000 केसेज ऑफ डिफेंस सिविलियन पेंशनर फैमिली पेंशनर थे, उनमें से 4,53,000 के केस यहाँ पर रिवाइज हो चुके हैं। सीजीडीए ने आगे यहाँ पर इन्फॉर्म किया कि जो पेंशनर फ्रॉम डिफेंस फोर्सेज हैं उनमें से 25,00,000 केसेज में से अप्रोक्सीमेटली 13,00,000 के रिविजन हो चुके हैं। तो डिपार्टमेंट को यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई है जितने भी पेंडिंग केस हैं उनको रिवाइज कर दिया जाए और इनको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ पर रिवाइज किया जाए। उसके बाद यहाँ पर आगे जो यहाँ पर मुद्दा उठा था जिसका यहाँ पर जवाब दिया गया है प्री 2006 के पेंशन भोगियों के लिए। यहाँ पर देख पा रहे हैं डिफरेंस इन लास्ट रैंक हेल्ड एंड रैंक ऑफ पेंशन इन केस ऑफ प्री 2006 मिलिट्री पेंशनर, मतलब कि यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन आ रही थी पेंशनर एसोसिएशन की तरफ से कि वन रैंक वन पेंशन का बेनिफिट जो है वो मिलिट्री पेंशनर को जो दिया जाने वाला है वो उनकी लास्ट रैंक के हिसाब से कब दिया जाएगा। लास्ट रैंक के हिसाब से ओआरओपी तब भी प्रोवाइड की जाएगी जब उन्होंने मिनिमम यहाँ पर 10 मंथ की सर्विस की है उस रैंक के ऊपर, तब उनकी पेंशन जो होगी ओआरओपी उनको यहाँ पर लास्ट रैंक के हिसाब से दी जाएगी। अगर उनकी जो पीरियड ऑफ सर्विस है वो लास्ट रैंक पर लेस देन 10 मंथ है तो उनको यहाँ पर ओआरओपी को जो दी जाएगी वो उनकी सेम रैंक के हिसाब से नहीं लोअर रैंक के हिसाब से प्रोवाइड की जाएगी। सीजीडी ने इन्फॉर्म किया कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को यहाँ पर इंस्ट्रक्शन पारित की थी और जो बेनिफिट ऑफ ओआरओपी अवेलेबल है विद रेफरेंस टू लास्ट रैंक ओनली इफ द पेंशनर हैड वर्कड ऑन दैट रैंक फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 10 मंथ यहाँ पर प्रोवाइड किया जाए। अब ये पॉलिसी बना दी गई है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सरिचमेंट वेलफेयर को इसके लिए डिसीजन ले रहा था और इसके लिए यहाँ पर उन्होंने इंस्ट्रक्शन पारित कर दी है। अब डिसाइड किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सरिचमेंट वेलफेयर जो है इसको दोबारा यहाँ पर रिक्वेस्ट करा है एक बार इस आइटम को इस एजेंडा को दोबारा से यहाँ पर व्यू किया जाए और एक बार फिर से इसके ऊपर अपना फैसला सुनाया जाए। तो ये थी आज की हमारी महत्वपूर्ण अपडेट जो कि यहाँ पर प्री 2016 के अंदर रिटायर पेंशन क्योंकि जितने भी रिवीजन पेंडिंग है उनकी यहाँ पर स्टेटस रिपोर्ट क्या है, कब वो सोल आउट किए जाएंगे, पूरी जानकारी हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।